जय जोहार, हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज एक हमारी ज़िंदगी की सच्चाई बताने वाला हूं आप लोगों को, और हो सकता है आप में से कई लोगों को ये जो सच्चाई है कड़वी लगे, बुरा लगे। हम जब गर्मी में कहीं भी निकलते हैं अक्सर सोचते हैं कि हमको कहीं पर छाँव मिल जाए, पेड़ की छाँव, जहाँ पर हम सुस्ता सकें। हर किसी को अभी यहाँ पर छाँव ज़रूर चाहिए, हर कोई चाहता है कि छाँव मिल जाए, लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता है। कोई भी ध्यान नहीं देता कि हम प्रकृति के लिए कुछ वापस दें, कुछ पेड़ लगाएं, कुछ पौधे लगाएं और इस प्रकृति को बचाएं, जो हमारा वातावरण है उसको हरा भरा करें। रायगढ़ में कुछ हमारे मित्र लोग हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा पहल किया हुआ है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। ये सारे फ्रेंड्स हैं जो भाई लोग हैं, इन्होंने मेहनत किया है और मेहनत कर रहे हैं। मेरा नाम भीषम साहू है जी। चलिए ठीक है, आप विषम साहू जी हैं, ये जय गुप्ता जी हैं और रमेश सिंह, ठीक है आप सागर जी, मैं भोलाराम नायक, भोलाराम जी। तो प्रकृति में काम करने के लिए हमको क्या है सोचना नहीं चाहिए, जो क्योंकि हम जो भी करेंगे, जो भी देंगे प्रकृति को, हमको उससे कई गुना बढ़ के हमको मिलेगा। आप हरियाली चाहे अपने घर में कीजिए या जंगल में कीजिए या आसपास आपको जो जहाँ चुपते मिल जाए वो हमेशा आपको फायदा ही देगा, इससे कभी भी कोई नुकसान नहीं है। आप जितना बढ़ा सकते हैं घर में बढ़ाई हरियाली आसपास वातावरण में। हम लोग अभी शुरुआत ये किए हैं कि पहले हम लोग जो हमने जो भी जैसे खाते हैं, आम का बीज खा रहे हैं और हमारे आसपास जो पीपल मिल रहे हैं, जो भी हमको जो मिल जा रहा है हमारे पास जो अवेलेबल है, मतलब जितने भी फल खा रहे हैं उनके बीज को हम कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, तो उस बीज को हम कहीं बाहर ना फेंकें और कहीं ऐसे जगह लगाएं जिससे हमको आगे चल के और फल मिले। सही, अभी हमारा कारवां ऐसा चल रहा है कि हमको अब क्या है, इसको हमको वन विभाग से भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो हमारे साथ अभी जय बाबू हैं, जय शंकर गुप्ता जी, ये भी कुछ बताने वाले हैं। जय जोहार बोल रहे हैं हमारे जय बाबू, तो सभी को जय जोहार, बताइए जय साहब। सभी प्रकृति प्रेमियों को नमस्कार और स्वागत है हमारे इस फाउंडेशन में। और हम लोगों ने लगभग 1.5 वर्ष पहले इसका आरम्भ किया था और लगभग 7 व्यक्ति थे हम लोग इसमें, और लगभग अभी तक हमने 50 पौधों का वृक्षारोपण किया है। और हम चाहते हैं कि हम जितने भी जो खाली जगह हैं उसमें पौधा रोपण करें, वृक्षारोपण करें और कुछ प्रकृति को हम दें और प्रकृति कुछ हमें दे वापस में, कुछ अगले जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़ करके जाएं, यही हम लोगों का एक लक्ष्य है। और हमारे फाउंडेशन को अभी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। हमारा फाउंडेशन का नाम बताएंगे, फाउंडेशन गो ग्रीन व्यूज फाउंडेशन है। तो याद रखिएगा, गो ग्रीन व्यूज फाउंडेशन है, सभी लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, किसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और हमारा एक वेबसाइट बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा जिसमें सारी गतिविधियाँ हमारी जो रहेंगी प्लांटेशन के बारे में, और जो हम वन विभाग से जो हमारे हमें सहायता प्राप्त हो रही है उसके बारे में, और बहुत जल्द उस फाउंडेशन का एक अकाउंट नंबर भी होगा और सारा सभी चीज़ें सारी चीज़ें सिस्टम के साथ हम काम करना चाहते हैं ताकि और हमारे इस गो ग्रीन व्यूज फाउंडेशन का विस्तार हो और आप सभी हम लोगों को सहयोग करें और प्रकृति के प्रति अपना प्यार व्यक्त करें। धन्यवाद आप सभी का। जी, जितने लोग हैं सबसे निवेदन रहेगा कि अपने प्रकृति के लिए हमको कुछ करना चाहिए, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कुछ वापस करें। वापस कैसे कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा के, हरियाली फैला के। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारे खर्चे भी होते हैं यहाँ पे काम करने में और कहीं से फंडिंग की व्यवस्था हो नहीं पाती, सब लोग आपस में पैसे मिला के यहाँ पे करते हैं, तो अगर आपका दिल करे, आप चाहते हैं कुछ भी हेल्प करना चाहें किसी भी तरह से, तो आप बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, वेलकम है आपका। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगाए हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो जैसा जय भाई ने बताया, वन विभाग से सहायता मिला हुआ है और 1000 पौधे का सहायता किया है उन्होंने, 1000 में से आज कुछ पौधे लेके आए हैं, वो अभी 440 पौधे ले आए हैं। तो लगभग 50% जो है ना पौधे लेके आए हैं, बाकी जो 50% है वो बाद में लेके आएंगे। और पौधे कहाँ से लाए, कैसे लाए और बाकी डिटेल जो है ना, क्या क्या पौधे लाए हैं, वो अभी आपको वीडियो में नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूँ। तो एंजॉय करिए वीडियो को और देखिए, और बिल्कुल स्वागत रहेगा आप सभी का हेल्प करने के लिए। आइए और हेल्प करिए और हमारे पर्यावरण के लिए कुछ योगदान दीजिए आप लोग भी। इस वर्ष पर्यावरण दिवस से हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया था और हमने पहला वृक्ष जो है वो बरगद का लगाया था, वो अभी हम दिखा रहे हैं।
तो ये बरगद का जो है ना वृक्ष लगाए थे, बरगद का वृक्ष जो है ना सबसे ज़्यादा घना और छाया देने वाला है, तो इसी से शुरुआत किया था। और बाकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये है यहाँ पे अभी छोटा छोटा पौधा है तो ये लगा हुआ है इस तरह से, और भी हैं यहाँ पे जितने भी घेरे लगाए हुए हैं ना यहाँ पे, ये सारे पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ये करंज का पेड़ भी है, देखिए कितना अच्छा हरा भरा है, इसमें कांटे घेर के रखे हैं ताकि जानवर जो है ना नुकसान ना पहुँचाएँ। ये आंवला का पेड़ है, यहाँ पे ये आम का पेड़ लगाए हुए हैं, और यहाँ पे भी है ये आम का पेड़ लगा के रखे हैं और ये साथ में घेर दिए हैं। तो इधर जितने भी दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ घेरा घेरा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस सब में पेड़ लगाए गए हैं। हर कोई फल खाना चाहता है लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाता, लेकिन भाई लोग यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। तो अभी ये सारे पेड़ पौधे लेके आए हुए हैं, इसको अभी लगाएंगे यहाँ जंगलों में। ये जय बाबा हैं, गाड़ी भर के लाए हैं इंदिरा विहार से, वहाँ जो प्लांटेशन वो है ना नर्सरी है वहाँ से लेके आए हैं। तो सीताफल जामुन आंवला, तो ये सारे पेड़ पौधे अभी लगेंगे। पूरी टीम जो है मेहनत कर रही है अभी निकालने के लिए, अभी पूरी टीम लगी हुई है। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से हरियाली के लिए काम कर रहे हैं भाई लोग, और प्रकृति के लिए बहुत अच्छा काम है ये, तो आप लोग भी हेल्प करिए। और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ये जो फाउंडेशन है इसका, तो उसका रजिस्ट्रेशन का कॉपी मैं अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, स्क्रीन में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का कॉपी। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय माता दी, जय छत्तीसगढ़।